तो स्वागत है आप सबका। आज हम मुकेश अंबानी के बेटी की शादी पे थोड़ी बहुत कमेंट्री करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे अंबानी साहब ने अपने बेटी की शादी पे करीब करीब 800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन ये फर्क नहीं पड़ता कि अंबानी साहब के खुद के मेहनत के कमाई हो, जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकते, क्योंकि हमारे देशवासी बोल रहे हैं कि ये सारे पैसे गरीबों में बांट देना चाहिए था। तो मैं अभी आपको दो चीजें बताने वाला हूँ। पहला कि अंबानी साहब के खुद के पैसे, वो जैसे चाहे उसकी वैसे गांड मार सकते हैं। और दूसरा ये है कि CSR करके एक चीज होता है, जिसका मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हमारे अंबानी साहब ने हमारे गवर्नमेंट को 600 करोड़ दे रखा है, ताकि हमारी गवर्नमेंट गरीब बच्चे और गरीबों की मदद कर सके। लेकिन ये बात सबको पता नहीं है, इसलिए हम ये पैसों की बात को छोड़ के सीधा ये देखते कि शादी में क्या हुआ। तो अंबानी साहब ने एक भी अमीर भिखारी, मेरा मतलब एक्टर्स को नहीं छोड़ा, सबको बुला बुला के नचवाया। हमारे अंबानी साहब के लिए सारे एक्टर्स अलेक्सा बन गए थे। जिस एक्टर को जो ऑर्डर दिया जा रहा था, वो एक्टर वो ऑर्डर फॉलो कर रहा था। जैसे कि मुकेश अंबानी ने शाहरुख खान को कुछ ऐसे बोला होगा, देख शाहरुख, तू बादशाह होगा, वो अपने घर पे होगा, लेकिन तू मेरे बेटी की शादी में आके नाचेगा, मतलब नाचेगा। ओके सर। हाँ हेलो सलमान, तू अगर भाई है ना तो मैं तेरा बाप है, इसीलिए तू भी मेरे बेटी की शादी में आके नाचेगा। और आजकल तू ज्यादा भाईगिरी कर रहा है ना, तू एक काम कर, जब मेरा बेटा नाचेगा ना, तू उसका बैकग्राउंड डांसर बन के नाचना। ओके सर, नो प्रॉब्लम, आप बस पैसा दे देना सर, मैं नाचने आ जाऊंगा। हाँ हेलो आमिर, मैंने सुना है तू हर एक काम परफेक्टली करता है, एक काम कर, मेरे बेटी की शादी में आके परफेक्टली नाच के जा। ओके सर। और ये तो कुछ भी नहीं, अगर अंबानी साहब के हाथ में थोड़ा और टाइम होता ना, वो तो उस प्यूडीपाई को भी इंडिया में लेके आके नचवाते और उसको भी बोलते चल अब सबके सामने टी सीरीज को सब्सक्राइब कर। लेकिन ये सब ठीक है, आपको पता है सबसे बड़ा चाटा किसके गाल पे पड़ा है? उस स्नैपचैट के सीईओ के गालों पर। जाओ बताओ उस चूतिए को कि हमारे देश के एक आदमी ने अपनी बेटी की शादी में 800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। और यही नहीं, उसके देश की एक सिंगर बियॉन्से पैसों के लिए हमारे देश में आके अपनी गांड हिला के गई है सबके सामने। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी वो बंदा ये नहीं मानेगा कि हमारे देश के पास पैसे है, तो इसीलिए छोड़िए अभी उस बात को। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो बस वीडियो को आज हम यहीं पे खत्म करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और फेसबुक में भी हमारा एक पेज है, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी लाइक और फॉलो कीजिए। चलो थैंक यू, बाय।